वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा जोड़ा बैठा है। आप ये समझ रहे हो कि मैंने बच्चा गोद में लिया? नहीं, बच्चा गोद में नहीं लिया, ये एक कदर दूल्हा है और मुकम्मल दूल्हा है। बहुत थोड़ी सी ठंड की वजह से सुंगड़ गया, तो मैं माफी चाहता हूँ। हम इन मेरी बहन जो मेरे साथ बैठी है बड़े गुस्से से देख रही है क्योंकि उनके दूल्हे पे कोई बात हुई। हम इनसे पूछते हैं आखिर ये लव स्टोरी कैसे चली, आखिर इनकी शादी कैसे हुई, ये वकूआ कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो असी नबे पूरा सो लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये मेरा दूल्हा है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। ये आपकी जिंदगी? जी मेरी जिंदगी है। ये तो पहले हफ्ते खत्म हो जाएगी, अल्लाह ना करे आपके मुंह में खाक। मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मजाहिया आदमी हूँ, तो मुझे माफी चाहता हूँ। मजाक ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा मेरी बहन, आप बात है, मैं माफी चाहता हूँ। आप क्या कीता है? ब्याह कीता और की कीता। तुम जरा डर नहीं लग गया? नहीं मुन्नू का ना डर लगना जी। अच्छा ब्याह करने तो पहले कोई रिहर्सल कितनी अपने दे पेटी से तीन खाऊं? ये बात में बदतमीजी है। मैं मामा पे चाहता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देख कर मुझे खुशी हो रही बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, आपको खुशी हो रही है, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है एक साथ जिंदगी बता के। आपको तो खुशी हो रही है? हाँ जी। आप तो दूल्हा जेब में भी डाल लेती हो जी। अच्छा जी, आपको तो खुशी हो रही होगी, तो आपको खुशी हो रही है या सिर्फ वजन हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा मेरी बहन, ये तो मजाक करते रहेंगे साथ, आखिर ये प्यार मोहब्बत ये लव स्टोरी चली कैसे, स्टार्ट कहाँ पे हुई और कैसे आप दोनों में ये प्यार मोहब्बत हुआ? जी हम लोग ना इकट्ठे काम करते थे स्टेज प्ले, तो लोग मुझे भी बड़ी बातें करते थे और इसके कद पे भी बड़ी बातें करते थे, तो हमें तो अल्लाह पाक ने बनाया जैसा बनाया है, हर इंसान को जैसा भी बनाया खूबसूरत बनाया, किसी में कोई कमी नहीं है। तो हम दोनों अक्सर इकट्ठे बैठ के ये बातें सोचते थे कि क्यों लोग हमें होट करते हैं, तो बस ऐसे ही एक दूसरे से दुख सुख बोलते हुए एक दूसरे से मोहब्बत होगी। आप दोनों ने दुख सुख बोला, आपको मोहब्बत होगी, की वकूआ है जरा दिल की गल दसो। शुरू शुरू जो उन्होंने गलबात की लगा शक पिया के मेरे ना प्यार कर दे। शक पै गया? इन हिम्मत हो गई जवान तेरे चौके? माफी चाहना। शक पिया फिर मैं सोचा, छे महीने इस तरह गल्ला होंदिया रही साड़िया आपस, मैं क्या प्रपोज करने का टाइम आंदा सी, मैं कहना हाँ रोज रात में घर आ सुबह मैं कहूँगा मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो सुबह आँदी सी, फिर मैं सेहत वेख के थोड़ा घबरा सा, अगले दिन मैं क्या हौसला करो ते क्या दे। फिर मैं अगले दिन हौसला किया, पिछे मैं इट्टा बनिया, मैं क्या अज प्रपोज ही होएगा। इट्टा क्यों बनिया? पैराशूट बनना सी तुसी? ओ धक्का वजह कंट्रोल से होइएगा ना। मैं गया, मैं क्या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने किया ते कहते अच्छा कहते ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, आप अपने मामा पापा को राजी कर। मैं क्या वो तो टेंशन ही कोई नहीं, मैं नाल लैके आया। अच्छा नाल भी लैंदे तो कंफर्म सी गलबात हो जाएगी? हाँ मैं क्या नाल ही मैं फोन किया। असल में फासला कम था ना घरों में, तो इसलिए फिर इसने कहा कि मेरे जो वालदेन है ना वो आपके घर आ जाएंगे आज। अच्छा आपके घर साथ साथ हैं? थोड़ा फासला है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फासला है। हाँ जी। और अब मेरी वजह से फासला है? हाँ जी। और आपको मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ? बहुत ज्यादा। अच्छा मेरी बहन आप ये बताएं, आप शादी आपकी होगी, शादी के बाद सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी खानदान की या रिश्तेदारों की या मोहल्लेदारों की, कौन कौन सी बात का आपको सामना करना पड़ा? बातें तो काफी लोग करते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर बातों की तरफ देखा जाए तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इनसे क्या लगे, कोई जो मर्जी कहता रहे, हमारी अपनी लाइफ है, हम जैसे मर्जी गुजारें, तो बस हमने सबको इग्नोर किया और अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मजे से जी रहे हैं। चले आप कहते तो मैं यकीन कर लेता हूँ। चले आपके खानदान ने तो बातें की होगी कि ये क्या किया, आपके खानदान क्या कहते होंगे विक्की की तई? मेरे खानदान वाले बड़े राजी सी, क्योंकि उन्होंने पता सी इन्हें देनी किसी ने नहीं, लगनी कोई नहीं, अने आप ही खा लिया तो चलो चंगी गल है। नहीं इनकी फैमिली बहुत प्यार करती है मेरे साथ। हाँ जी ये भी करते हैं और इनकी फैमिली भी, मुझे कमी महसूस नहीं होती अपनी फैमिली की। कमी महसूस होनी कहाँ, हर चीज तो कमी कम है। मैं माफी चाहता हूँ वैसे। अच्छा ये बताएं आप दोनों थिएटर ड्रामा करते हैं, स्टेज प्ले करती है? हाँ जी। तो जो फील्ड के आपके दोस्त थे जो कलीग थे उनका रिस्पांस क्या था रहा? उन्होंने भी काफी बातें की हैं लेकिन पहले भी करते थे बाद में भी की हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं।
अच्छा ये बताएं कि जब ये घोड़ी पे बैठ के आए थे, बकरे पे बैठ के आए थे या पैदल? बकरे पे क्यों बैठे मैं? चतरों के घोड़ी पे तो बैठेंगे ऐसे है ना जैसे घोड़ी को फोड़ा निकला हुआ, छोटे से तो है ना। आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं लिहाज नहीं करती हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इनको देख के पता नहीं मुझे क्यों झुकते से आ रही। आप घोड़ी पे बैठ के आए थे? हाँ जी, मैं घोड़ी पे बैठ के गया। नहीं, घर से निकलते हुए घोड़ी पे बैठे थे, आगे हमारे घर का जो सफर था ना वो गाड़ी में आए थे। गाड़ी में आना चाहिए, पैदल आ जाते बच्चों में गुम हो जाते हैं। ऐसे है ना। अच्छा आपके दोस्त, आपको पता है की हमारी शादी देखने पूरा आधा लाहौर इकट्ठा हुआ था। लाहौर इकट्ठा हुआ था? वो अजूबा चेक करने आएंगे भी, ये कौन सा अजूबा चेक करने आएंगे भी, ऐसा जोड़ा पाकिस्तान में इजाद हो चुका है, इजाद हो चुका है या ऐसा बन चुका है? एक ए, 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 मैं कोई बात करूंगा फिर आप गुस्सा कर जाएंगे। तो वैसे आप ऐसी बात ही ना करें जिससे हमें गुस्सा है। मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा। अच्छा कोडू साहब ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शान। शान पाकिस्तान के साथ, शान कोडू हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? रिमशा। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप नाराज मत हो जाएगी। नहीं, अगर नाराज होने वाली हुई तो जरूर होंगी, अगर नहीं तो फिर इग्नोर। आप इग्नोर करेंगे? जब आप अपने दूल्हे के साथ सफर करती है कनेक्टर तो कहता होगा अभी भी बच्चा गोद में कर लो। नहीं ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफर कर रहे होते हैं ना तो सीट कम होती है तो कंडक्टर आके कह देता मुझे कि बीबी ये अपना बच्चा झोली में कर लो। तो मुझे तो दो फायदे हो गए, खामन का खामन और बच्चे का बच्चा। आपके साथ कोई इस तरह वको हुआ शादी के बाद? जाहिर साहब सब कुछ ताड़ी वजह नाल हो रहा है, उस तो अलावा कुछ नहीं होता। नहीं कदी ताना लैन जो है कि तुम दूध लैन गए हो तो कढ़ाई दे थलो घूम के आ गए भी दुकान बंद है। ऐसा भी झूठी है, दूध लेने वाज ओ भाई कहना जी भाई गुफ्तगु मत करे, मुझे दुख होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा फील हुआ कि ये फैसला सही नहीं हुआ या और फैसला करना चाहिए? नहीं मुझे कोई दुख नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला किया। आपको कभी हुआ कि भाई इतना बड़ा फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था? खुशी खुशी कीता क्योंकि मैंने कोई लबन ही नहीं दी सी तो मैं आगा फिर ही चलेगा। अच्छा जब आप कपड़े वगैरह खरीदने जाती हैं तो आप तो इनके बच्चों वाले कपड़े लेके आती हूँ? नहीं देख लेंगे, इन्होंने पहने हुए हैं ये बच्चों वाले। तो भाई पैंट कोट बच्चे वाले ये होर किन्ना कह गए बड़ा होना, कल जाओगे कह दो एक बच्चे का सूट दिखा दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। ये खुद जाते हैं कपड़े लेने के लिए अपने। अच्छा। हाँ मैंने इनके लिए खरीदे, अक्सर ये मेरे लिए भी लेके आते हैं। अच्छा जब आप अपने खानदान में जाते हैं किसी फंक्शन पे या इवेंट पे तो इन्हें क्या कहते हैं कि कितने दूर ना जाए घूमना हो जाएगा? बच्चों के साथ ये घूमने वाली चीज ही नहीं है। आप अभी कभी इन्हें मना किया कि बच्चों के साथ नहीं खेलना? नहीं मैंने इनको भी मना नहीं किया, ये खुद समझदार है, इन्हें पता है कि ये बड़े हैं तो इन्हें बड़ों की महफिल में जाना चाहिए। आपके दोस्त जो है वो बड़े हैं या बच्चे हैं सारे? मेरे दोस्त सारे बड़े हैं। अच्छा सारे बड़े हैं? हाँ जी। आपकी शादी में सारे दोस्त आए थे? सारे दोस्त आए थे। अच्छा जब आपका वलीमा हुआ तो वलीमे में खाने में क्या पकाया था? जो आम रूटीन में पकते हैं वही बाजरा। आ, 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 सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। तो बाजरा क्यों पकेगा भाई? मैं माफी चाहता हूँ जी, तूरी वंड पका जी। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। हम आपका लिहाज कर रहे हैं, आप तमीज से बात करें हमारे साथ। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों, बरहाल मुझे मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, सलामत रखे। बच्चों का क्या प्लान है? मैं सिर्फ आके तो पूछूंगा कि बच्चों का क्या प्लान है। आपसे पूछू या आपसे पूछू मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा। आप शर्मा रही हैं, आप शर्माए, मैं आपके शौहर से पूछता हूँ। तो क्या प्रोग्राम है, बच्चे कितने होने चाहिए जिंदगी में? बच्चे जितने मर्जी हो थोड़े ही होते हैं। नहीं आप जितने हो तो 15-20 भी हो सकते हैं। अगर अगर बच्चे वैसे जितने भी हो थोड़े हैं, क्या प्लानिंग क्या बच्चों की? मेरी तो क्रिकेट टीम पूरी करने की प्लानिंग है। अच्छा आप चाहते हैं कि बच्चे 11 हो? 11 पूरे 11, और मैंने उन्हें 2020 वर्ल्ड कप खिलाऊंगा। इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे। अच्छा मेरी बहन, लोग आपको बातें करते परेशान करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी उनके लिए तो यही पैगाम है कि आप कभी किसी को होट मत करें, बनाने वाली तो रब की जात है, इन्हें भी रब ने बनाया, मुझे भी रब ने बनाया, उन्हें भी रब ने बनाया। तो जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं, एक उठाते हैं तो दो आपकी तरफ, तीन उठती, बल्कि दो भी नहीं यकीन तो उठा के देखेंगे, तीन आपकी तरफ उठ रही है। तो कभी भी किसी को खूट मत करें, ये रब की बनाई हुई मखलूक है, इनसे प्यार करें, इन्हें प्यार दें, प्यार बांटें लोगों में।
यही अपनी जिंदगी का असूल बनाएं, किसी का दिल ना दुखा।